असलाजूर वाले मुकर्रब अहमद है हाँ जी मुकर्रम साहब मुकर्रम वही उसके मुकर्रम हैं जो अपना आप खोते हैं अच्छा <laughs> मेरा सवाल है कि आजकल जो कोरोना की वबा चल रही है उसमें घरों में भी बहुत मसले हुई हैं और उसका क्या हल हो सकता है क्या हो रहा है घरों में क्या हो रहा है के मसले के एक दूसरे के ये की लड़ाइयाँ बात यह है कोरोना की वबा में तो फिर अल्लाह ताला की तरफ़ झुकना चाहिए ना अगर ये वबा है और अल्लाह ताला की तरफ सजा है तो तब भी आपस में मोहब्बत प्यार कायम होना चाहिए और अल्लाह ताला से माफ़ी और तौबा मांगनी चाहिए आपस में सुलह सफाई की फ़जा पैदा करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस तला को हमारे से दूर कर दे वबा को दूर कर दे और अगर ये कोई इम्तिहान है तो तब भी अल्लाह है दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हम इस इम्तहान में कामयाब कर दे और आप उसमें आपस में मोहब्बत और प्यार पैदा हो अल्लाह ताला कहता है कि एक दूसरे का ख्याल रखो हजिन ने फरमाया कि अल्लाह जो है हकूक लबाद की तरफ बहुत तोज् दिलाता है अल्लाह ताला, ताला बाज़ दफ़ा अपना हक जो है वो छोड़ माफ़ कर देता है छोड़ देता है लेकिन बंदों का हक अगर तुम अदा नहीं करते तो वो माफ़ नहीं करता अगर खामन बीवी का हक अदा नहीं कर रहा और लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ बिला वजह कर रहे अभी मैंने इतना लंबा खुद बद दिया तकरीर की है लजना जलसे पर तो वो गुनाहगार है अगर बीवी खामद का हक अदा नहीं कर रहे बिला वजह लड़ाइयाँ करने की कोशिश कर रही है तो वो भी हक अदा नहीं कर रही अगर बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं तो वो भी हक अदा नहीं कर रहे अगर बाप बेटों बेटियों को बच्चों के साथ सही सलूक नहीं कर रहा तो वो भी हक अदा नहीं कर रहा अगर माँ चिड़चिड़ी हो गई है और बच्चों को तंग कर रही है वो भी नहीं सबको ऐसी हालात में तो सबको एक इकट्ठे होके एक हो जाना चाहिए एक ऐसी ताकत बन जाना चाहिए जो इकट्ठी हो ठीक है तो फिर ही अल्लाह ताला के फजल भी जज्ब होते हैं तो इसमें तो ठीक है हालात की वजह से बाहर नहीं निकल सकते वो नहीं कर सकते लेकिन इतने भी हालात कोई नहीं है तुम लोग कौन सी पाबंदी करते हो सारे घर वाले कोरोना की वजह से काम में ज़रा सी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गया लेकिन बाजारों में भी निकल जाते हो सड़कों में भी फिर रहे होते हो पार्कों में भी चले जाते हो हैं जहाँ बाप का दिल चाहता है वो भी अपने दोस्तों में गप्पे मारने चला जाता है जहाँ माँ का दिल चाहता है वो भी अपने सहेलियों में चली जाती है गप्पे मारने या तुम लोगों का दिल चाहता है तुम लोग भी निकल जाते हो तो इतनी तो पाबंदी कोई नहीं है कि कर रहे तुम लोग सौ फीसद पाबंदी कर रहे होते तो वो वाह पहले ख़त्म हो जाती हाँ बाज रिस्ट्रिक्शन की वजह से बाद दफ़ा नफसियाती असर हो जाते हैं लेकिन उसका तरीका यही है कि अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला इस रेस्ट्रिक्शन को दूर करे और इस इस बीमारी को दूर करे और रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाएं और अल्लाह ताला हम सब पर फजल फरमाए तो यह तो दुआओं की की तरफ तोजो की ज़रूरत है ठीक है और ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हमने एक दूसरे के हक़ किस तरह अदा करने हैं ठीक वो करोगे तो सब घर में सुकून और माहौल होगा ये तो आम हालात में भी नहीं कोरोना तो बहाना बन गया पहले खाम बाप जो था वो घर से बाहर रहता था सारा दिन तो वो पता नहीं लगता था कि उसका मिजाज कैसा है अब वो क्यों घर में रहता है इसलिए उसकी सस्तियाँ बच्चों को भी झीलनी पड़ती हैं बीवी को भी इसलिए तुम कहते हो अब्बा ने ऐसा कर दिया अब्बा ने ऐसा कर दिया या अम्मा चिड़चिड़ी गई हैं पहले तुम लोग भी बाहर घूमते रहते थे अब तुम लोग भी जरा कम बाहर घूमते हो लेकिन घूमते हो ये मुझे पता है है ना चलो बस दुआ किया करो कि अल्लाह ताला इसको चल दे आमीन